नमस्कार दोस्तों, आरजे 18 न्यूज पर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ अमित सैनी। तो आज हम पहुंचे हैं मंडावा के लड़कों ने जो कमाल किया है और म्यूजिक इंडस्ट्री तक का उन्होंने जो सफर तय किया है उसके बारे में हम सारी बातचीत करते हैं। आज इनका 11:15 बजे गाना भी लॉन्च हुआ था। यारा दी प्राइवेट सरकार गड्डियां लेके चलने थार आती गवर्नमेंट चलन दे हम बापू दी जान और माई आले लाल हैं जो देवा हमें तो सरे आम हलाल है रे बापू ने सिखाया बस खा पी के और मस्ती और रहना ना पे। हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पे जाके गाना भी देखना। तो हम बातचीत करते हैं जो मंडावा के लड़के हैं, कैसे उन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया, किस प्रकार से ये गाना लॉन्च हुआ, कितनी उनको मेहनत लगी, किस किस तरीके से ये शूटिंग हुई, क्या क्या लिरिक्स रहे, उनकी सारी हम डिटेल्स लेंगे और बात करेंगे। हमारे पास सिद्धार्थ भाई मौजूद हैं। तो सिद्धार्थ भाई, सबसे पहले तो आपका आरजे 18 न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू, और आप लोगों को भी मेरा राम राम और सारे भाइयों को मेरा सबसे पहले राम राम। तो पूछिए भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपने कहाँ से शुरुआत की, कितने साल आपको यहाँ पे शुरुआत किए हो गए, मतलब इस लाइन में आने का सोचा, घर वालों का प्रेशर रहा होगा, क्योंकि हमारी साइड घर वालों का एक निश्चित होता है कि तेरे को डिग्री करनी है और जॉब करनी है गवर्नमेंट। तो ये एक लीक से हटकर आप मंडावा से निकले हो, मुंजी आपका गाना भी लॉन्च हुआ है, तो क्या मतलब स्ट्रगल रहा आपका लाइफ में? जी मतलब सभी का यही रहता है कि फैमिली का सपोर्ट थोड़ा कम ही रहता है, बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे फैमिली के अंदर जैसे ये जो डायरेक्टिंग करते हैं मेरे सॉन्ग को, विशाल भाई, जैसे इस बार सचिन भाई ने भी किया साथ में, तो विशाल भाई मेरे बड़े भाई हैं, सगे भाई हैं, ठीक है। मेरे पापा मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के अंदर, और मतलब हमेशा से इस चीज़ के अंदर मेरे को सपोर्ट करते हैं। मतलब एज इट इज़ आप इस चीज़ को ले सकते हो कि ना, ये जितना भी मेरे परिवार के अंदर जितने भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं सब लोग मेरे को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब रही बात मेरे को इस लाइन में आए हुए, तो मैं मतलब बचपन से ही मेरे को इस चीज़ का शौक था, और मैं मतलब स्कूल में भी कई बार एक दो बार ऐसे गाने वाने गाए तो सब ने बोला कि यार अच्छा है तू इसको ट्राई कर, तू खुद के सॉन्ग वगैरह लिखा कर। सब जो लोग थे, मेरे भाई लोग थे, दोस्त लोग थे, सब लोगों ने यही बात बोली, तो मैंने सॉन्ग लिखा। अब वो पिछले दिनों एक सॉन्ग आया था अपना नाम चांद करके, इस नाम से रॉयल म्यूजिक फैक्ट्री पर आया था। उस सॉन्ग को आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद में अपने सचिन भाई यानी जो है ये अपने एसटी म्यूजिक फिल्म्स के ओनर, इनसे बात हुई। अब उन्होंने फिर ये, जैसे इनको आप सब लोग जानते हो, विकास भाई, इधर काफ़ी नाम है इनका। अब इन लोगों से जब कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि चल भाई कोई नहीं, अपना सॉन्ग शूट करते हैं। मतलब यही है कि इसके अंदर स्ट्रगल मैंने अकेले ने कुछ भी नहीं किया है। स्ट्रगल पहला जो है वो स्ट्रगल है ये कर रही है मेरी टीम नहीं, मतलब जो मेरा भाईचारा है, जो मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे को चाहने वाले हैं वो। और दूसरी बात, हम लोगों से सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है जो हम लोगों को चाह रहे हैं, जो हम लोगों को देखते हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो लोग शेयर कर रहे हैं वीडियो को, वो लोग देख रहे हैं वीडियो को, और बस वही है कि अगर हम लोग दूसरे सॉन्ग को निकालने के लिए मोटिवेट रहे, उसका भी कारण ये मान लो पब्लिक ही है। उन लोगों ने बोला कि भाई सॉन्ग नहीं आ रहा है, क्या बात है। अब ये चीज़ जब पता चली भाइयों को तो बोला भाई आज आप अपन दूसरा सॉन्ग शूट करते हैं, और ये सॉन्ग शूट हो गया। तो सर एक बात पूछूं, जब जैसे आप स्कूल में थे तो आपको कब ऐसा लगा कि मैं इस लाइन में जा सकता हूँ, मेरी आवाज अच्छी है, आपको किसी ने सपोर्ट किया हो पर्सनली? पर्सनली मेरे को सपोर्ट घर में से किसी का, बाहर में चाचा, जैसे हम देखते हैं ज्यादातर लोगों को देखते हैं चाचा या भाई कोई सपोर्ट करता है कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा कुछ? ऐसे के अंदर और तो ज़्यादा नहीं थे, बट ऐसे कुछ थे, ऐसे मान लो मेरा तो ये है, जो फ्रेंड्स वगैरह थे ना उन लोगों ने मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है। अब फ्रेंड्स जैसे ये हैं बड़े भाई, अब इनको भी मान सकते हो, इन लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। तो बस वही है, फैमिली से ज़्यादा मैं ये चीज़ मानता हूँ कि मेरे जो भाई लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो लोग मेरे को ज़्यादा मोटिवेट करते हैं इस चीज़ के लिए, और बस उसी के बदौलत आज मैं सॉन्ग वगैरह निकाल रहा हूँ, और भगवान ने चाहा तो आगे भी निकालते रहेंगे, और पब्लिक ने साथ दिया तो एक दिन बढ़िया नाम भी बन जाएगा। तो पहले मैं सबसे वैसे थोड़ा हालचाल पूछ लेता हूँ, उसके बाद हम गाने पे आते हैं। जो गाना अपना लॉन्च हुआ आज ही, तो विकास भाई भी मेरे साथ मंडावा से मौजूद हैं। विकास भाई, तो मंडावा में जैसे आपको कब आइडिया है कि हम ऐसा कुछ टीम बने और इस तरीके से हमें गाना कोई लॉन्च करे? पहले तो सभी भाइयों का मेरा राम राम। और ये दिमाग सचिन भाई काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि ऐसा कुछ हम गाना शूट करें, ऐसा गाना लिखा है हमने सिद्धार्थ ने मिलके, और सिद्धार्थ ने गाना सुनाया तो काफ़ी अच्छा गाना था, फिर मेरी भी रुचि बढ़ी
तो सिद्धार्थ की आपके पास सबसे पहले मुलाकात आपकी टीम की कहाँ, मतलब टीम कहाँ बनी जब जाके आपको लगा ये अपनी टीम कंप्लीट है? हमारे सचिन से मिला था मैं पहले, सचिन सिद्धार्थ से मिलवाया, फिर गाना सुना, काफी अच्छा गाना था, फिर आगे का सोचा हमने कुछ। तो और जैसे आपके जो हमारे साथ सचिन मौजूद है, वीडियो देखा होगा, मंडावा के सबसे लंबे इंसान, या फिर मैं कहूँ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के सबसे लंबे, 7 फुट इनके हाइट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो एक अलग मुद्दा है और अलग वो बातचीत हम थोड़ी सी करेंगे, लेकिन पहले हम गाने पे आते हैं। तो आप सिद्धार्थ से पहली बार कब मिले थे? मैं सिद्धार्थ से पहले यानी इस गाने से पहले मिला था, और क्योंकि इसने मुझे बताया सचिन भाई मेरा गाना आ रहा है थोड़ा देखो उस पर भी, तो मैंने विकास भाई जी से बात की, गाने के बाद गाना सुनाया, विकास भाई जी को भी अच्छा लगा गाना, वो विकास भाई जी ने कहा चल देखते हैं पूरा सपोर्ट के साथ, तो हमने इस गाने को रेडी किया और इस पर वीडियो शूट किया और आज गाना हमारे बीच आ चुका है। तो हमारे साथ विशाल भाई मौजूद है, विशाल भाई भी इसी टीम के सदस्य हैं पूरी के, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फिर हम गाने के ऊपर आते हैं और भी बातचीत करते हैं पूरी। तो विशाल भाई स्वागत आपका आरजे ठहरा न्यूज़ पर। थैंक यू। तो कैसा सफर रहा अभी तक, यहाँ तक पहुँचे हो आप, मंडावा से आप निकले हो, सब सफर बहुत अच्छा रहा जी। और रियलिटी की बात तो ये है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ये मान लो कि मज़ा आ रहा है कि चलो ठीक है सारे भाई मिलके काम कर रहे हैं, और मतलब हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार से काम मतलब हो भी जाएगा और एकदम इतने अच्छे से हो जाएगा, और सब लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया सारे भाइयों ने, और अभी पब्लिक से भी मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि सबको जैसे हम लोगों को सबको पसंद आया सॉन्ग, ऐसे सबको पसंद आए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सॉन्ग को शेयर करें और दबा के शेयर करें। तो सर जैसे कि सिद्धार्थ भाई का रहा था फ्रेंड्स का सहयोग रखा, तो आपके भी जैसे आपने कभी फैमिली को बताया होगी मैं इस लाइन में जाना चाहता हूँ, फैमिली का कोई दबाव रहा हो या किसी ने सपोर्ट किया हो? जी बिल्कुल, हाँ नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब जब फर्स्ट टाइम जब सिड ने बोला ना पापा को कि मेरे को ऐसे सॉन्ग वॉन्ग बनाने हैं तो मैं क्या करूं, तब हाँ रियलिटी की बात तो यही है कि उस टाइम थी थोड़ी प्रॉब्लम थी और घर वाले सपोर्ट में थे, बट जैसे मान लो कि अदर और रिलेशन मतलब रिलेशन वाले होते हैं ना तो उन लोगों को थोड़ा एतराज़ था, और मतलब स्टार्टिंग में तो हम लोग है ना एज ए कॉमेडी लेके चले थे, अपना एक कॉमेडी चैनल था उसको लेके चले थे, उसके बाद धीरे धीरे सॉन्ग पे आए, तो मतलब ये है कि फैमिली ने फुल सपोर्ट किया बट रिलेशन वाले हैं उन लोगों ने थोड़ा सा इस चीज का किया था। हाँ वो तो हम देखते ही हैं, सब पड़ोसी तो मना करते हैं कि आपका बिल्कुल बिल्कुल ये गलत बात है, उसका लड़का तो ये जो में उस में, तो मतलब प्रॉब्लम थी ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये है कि मेरा जहाँ तक मानना है शायद सिड को किसी भी प्रॉब्लम का फेस करने की मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसके आगे सबसे पहले बात तो मतलब उस तक तो ये मान लो कि प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि विकास भाई जैसे और भी मतलब पूरी की पूरी टीम ने इतना सहयोग किया कि सिड को ये भी नहीं पता चला कि हो क्या रहा है, बस इसका यही था कि बस अपने को गाना बनाना है और वहाँ पे चलना है, शूटिंग होनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो विकास भाई देखेंगे, विशाल भाई सचिन सब लोग मतलब एज ए टीम काम कर रहे हैं, तो मैं तो एकदम टेंशन फ्री हूँ वो बात थी। हाँ तो अभी मतलब आप नए अभी उतरे हो, पहला ही गाना वो बात है, लेकिन अब एक अलग सी फीलिंग आ रही है, सुबह से लोगों के कॉल आ रहे हैं भाई बहुत अच्छा गाना। हाँ नहीं सुबह से मतलब रिलेशन वालों के सबके फोन आ रहे हैं कि बहुत अच्छा काम मतलब सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, तो मतलब बढ़िया लग रहा है एकदम। हाँ अब तो अच्छी फीलिंग आ रही है। तो सिद्धार्थ भाई जैसे मैं आपसे बात करूँ पहले तो इस गाने के लिरिक्स वगैरह जैसे आपके कहाँ से दिमाग में कहाँ से आइडिया है कि इस तरीके का प्राइवेट सरकार जो आपका गाना है लॉन्च हुआ है इसका? वैसे तो देखो मेरा थॉट कुछ नहीं था, बस ऐसे ही मतलब ये है कि मेरा तो उसी टाइम पे इस चीज़ में ना दिमाग चलता है जिस टाइम पे मैं किसी और काम में लगा होता हूँ, तो उस टाइम पे ये मैंने सिर्फ इसका टाइटल सोचा था कि यार अपन प्राइवेट सरकार के नाम से कुछ बनाएं, जैसे वो सिद्धू मूसे वाला जो सिंगर है काफ़ी सब लोग जानते हैं उनको, उनका सॉन्ग था सरकार, और जैसे अपने सुमित गोस्वामी का सॉन्ग था प्राइवेट जेट, तो मैंने सोचा क्यों ना यार अपन प्राइवेट सरकार बना लेते हैं। आपको कुछ आइडिया बहुत क्यूट है देखने में, क्यूट सा लगता है। हाँ वो तो एक छोटा सा लड़का है किसी ने सोचा नहीं होगा यहाँ तक पहुँचेगा। तो और सर मंडावा में इसकी मतलब मिनी मुंबई इसको बोलते हैं हम लोग, फिल्म की बहुत शूटिंग होती है बड़ी बड़ी जो मेगा बजट मूवी रही है, तो आपने मंडावा में कहाँ कहाँ इस मूवी की मतलब इस सॉन्ग की शूटिंग की है? इसकी शूट अपनी एक तो ये अपनी माया मेंशन के अंदर हुआ है, और एक रथ होटल है यहाँ पे मंडावा का ही है, वो भी काफी बढ़िया चलता है। तो आपकी जो टीम है वो टोटल कितने लोगों की है? टोटल टीम के अंदर कुछ नहीं है,
टीम का वैसे देखो ये दोस्तों का सपोर्ट रहता है ज्यादा, सारे दोस्त हैं ग्रुप वगैरह के जो यहाँ के लोकल दोस्त हैं हम सारे उनका ही सपोर्ट रहा है सबसे ज्यादा। अब यार ये थोड़ी होता है बस इतने दोस्त है, दोस्त यार कितने हो सकते हैं, आज यहाँ पे मौजूद नहीं है बहुत सारे दोस्त। और अपनी टीम भाई इतनी थोड़ी है, पूरा पूरी जो इंडिया है पूरे जो पब्लिक है वो सारी अपनी टीम ही है। वो तो सर आपने मंडावा का देखो सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़े। पर्सनली मैं बोलूँ तो आपने मंडावा का नाम रोशन किया है, क्योंकि आजकल सभी माँ बाप का एक थॉट होता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे और गवर्नमेंट जॉब के लिए वो तैयारी करे, लेकिन आपने कुछ लीक से हटकर तैयारियां किया, मंडावा से म्यूजिक इंडस्ट्री तक पहुंचे हो, तो उसके लिए आप सभी को बधाइयां भी। तो और जो आपने स्ट्रगल मतलब इस गाने में किया हो, कुछ ऐसी कोई मोमेंट आप बताना चाहें हमारे सभी दर्शकों को जो आपको सुन रहे हैं। ऐसा वैसे तो एक्चुअली इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, बट ये था कि इसके अंदर जब ये अपना सॉन्ग आया था फर्स्ट, तो मैं मतलब अपनी बात बता रहा हूँ, तो उस टाइम पे मतलब कई जगह पे मैंने इस सॉन्ग की बात की थी, लेकिन मतलब वही है आप अब जैसे ना पब्लिक से देखो क्या छुपाना है। एक्चुअल बात ये है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक गरीब फैमिली से हूँ और मेरे पास पैसे ऐसे मान लो नाम की भी ज़्यादा नहीं है, मतलब वही है मिडिल क्लास फैमिली से हूँ थोड़ा, ठीक है, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। अब वो सॉन्ग आ गया, काफ़ी टाइम हो गया, अब जो मेरे कुछ जो है फैमिली वाले वो भी यही बोल रहे थे कि भाई अब इसके सॉन्ग भी नहीं आ रहे हैं, मतलब ये बैठ गया ऐसा, वो भी एक स्थिति आर्थिक स्थिति भी दिक्कत रहती है। लेकिन वही है उस टाइम पे, अब उस टाइम पे सचिन ने बात की, तो मतलब सचिन भाई ने ये बात की तो उन्होंने बोला वाह यार तू भी अजीब बात कर रहे है हमारे होते हुए और तेरे को कोई ऐसे बोल सकता है क्या। फिर इन्होंने विकास भाई से बात की तो उन्होंने बोला अरे यार सिद्धार्थ तू क्यों टेंशन कर रहा है, हम लोग बैठे ना तो आ जा, तो सारी टेंशन छोड़ हमारे ऊपर छोड़ दे बात, बाकी सारा ऐसे मान लो ए टू जेड सारा का सारा सिस्टम इन लोगों ने देखा है। मेरे को वो जैसे ये अपने विशाल भाई बता रहे थे ना, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे को बस इतना पता था अपना शूट है अपने को चलना है, मेरे को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन ये बात जरूर है कि जिस दिन शूट चला था ना उस दिन मतलब ये है कि जो जितनी भी हमारी जो टीम थी ना उसके अंदर से किसी ने भी उस दिन खाना नहीं खाया था, ये देख लो हम लोग इतने तो सर टाइम नहीं तो आपको कल रात को भी नहीं आई होगी, कल रात को आज सुबह सुबह 11 लॉन्च होना था तो भाई रहता है, अगर मैं भी पर्सनल देखूं मेरे को भी पूरी रात यही रहता है कल अब ये होने वाला है वो, तो कल रात को कैसा महसूस हो रहा था कि कल रात को एक्चुअली मेरा ही नहीं जो भी है किसी को नींद नहीं आई थी, सब लोगों को यही थी यार कल सॉन्ग आ रहा है क्या करेंगे यार पता नहीं सॉन्ग चलेगा कैसा चलेगा, बट ये है कि अभी तक बढ़िया रिस्पांस आ रहा है सॉन्ग का और बाकी लोग यही बोल रहे हैं जो हमारे जानकार हैं जो भाई लोग हैं या जो पब्लिक है उनका यही रिस्पांस आ रहा है कि भाई सॉन्ग बढ़िया बना है, बाकी अब बस पब्लिक के हाथ में, पब्लिक थोड़ा सा शेयर कर दे रहा तो बस ऐसा है कि हम लोग मोटिवेट रहेंगे थोड़ा कि हाँ भाई चलो नेक्स्ट सॉन्ग निकालेंगे। तो इसी पे वैसे तो आपका यूट्यूब पे पूरा गाना जाके दर्शक सुनेंगे, उनका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया, एक बार आप भी दो लाइन दर्शकों को लाइव ही सुना दो। अब लाइव तो यार मैंने आपको अभी देखो ये है थोड़ी सी बीमारी का टाइम चल रहा है, मेरा भी गला थोड़ा खराब है तभी गला खराब है कोई बात नहीं वो तो आज, लेकिन वैसे यूट्यूब पे हम जाके आपके बाकी सॉन्ग का नाम और जो भी सॉन्ग मतलब प्राइवेट सरकार जो है प्राइवेट सरकार सॉन्ग, हाँ तो वही अपना सॉन्ग है प्राइवेट सरकार, ठीक है आप मेरा नाम भी लगा सकते हो सिद्धार्थ तिवारी सॉन्ग, आपको सॉन्ग मिल जाएगा। एसटी म्यूजिक फिल्म्स के ऊपर अपना सॉन्ग है और आप किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे जाके अपना सॉन्ग देख सकते हो, आपको सॉन्ग अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको ऑपरेटर कोड वगैरह सब डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी गई है सॉन्ग की, और वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको सॉन्ग की लिंक मिल जाएगी, आप लोग देखो और शेयर करो। मतलब भाई ये है कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास पैसे नहीं है तो बस यही है, अपने पास कोई प्रमोशन नहीं है कोई कुछ नहीं है, अपने पास जो भी है वो अपना भाईचारा है, आप लोग हो, आप लोग जो शेयर वेयर करोगे ना वो हमारे लिए प्रमोशन है। हमारे पास ना मतलब इतना भी होता नहीं है कि हम लोग इतना पैसा लगा दें कि हाँ भाई अपन 5-7 लाख रुपए लगा दिए और बढ़िया व्यू आ गए अपने सॉन्ग के अंदर और चलो ठीक है अपन स्टार बन गए, कुछ नहीं है भाई ऐसा। हमारे पास जो भी है शेयर वेयर करना है आप लोगों को करना है, अब आप देख लो कि भाई आप लोग अपने भाइयों को कितना आगे लेके जाना चाहते हो, बस वही बात है और अपने पास कुछ नहीं है भाई। तो सिद्धार्थ भाई ने जैसा निवेदन किया, मेरा भी सभी आरजे 18 न्यूज के दर्शकों से निवेदन है कि आपने हमारा इतना सपोर्ट किया है, आरजे 18 न्यूज का इतना सपोर्ट किया है, तो ये हमारे गांव के लड़के हैं मंडावा की जो प्रतिभा है इसको निखारने के लिए सभी से निवेदन है कि एक बार यूट्यूब पे जाके ये सॉन्ग जरूर देखिएगा, लिंक मैंने आपको दे दिया है, वैसे सिद्धार्थ भाई ने भी बता दिया है प्राइवेट सरकार ये गाना आज लॉन्च हुआ है तो मंडावा का नाम रोशन होगा, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतना लड़कों का हौसला बढ़ेगा, जैसा कि ये बता रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली से निकले हैं आगे जाना चाहते हैं,
आप सभी का जितना सपोर्ट होगा उतना इन लड़कों को फायदा मिलेगा। तो आपका एक बार गाना जरूर देखिएगा। मैंने ये गाना आज सुबह जैसे ही लॉन्च हुआ, मैं भी इंतजार कर रहा था 2-3 दिन से, जैसे पता चला गाना आने वाला है। तो आज सुबह जब मैंने गाना सुना तो मैंने भी ये नहीं सोचा था कि इतना अच्छा गाना लॉन्च हो जाएगा मंडावा में। लेकिन आज मैंने जब पर्सनली जाके ये गाना देखा तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बहुत अच्छा मेरे को ये गाना लगा। और कल सभी दर्शकों से निवेदन है कि कल मकर संक्रांति है, सभी छतों पर गाने बजेंगे। तो एक बार मंडावा में प्राइवेट सरकार गाना नहीं बजे ऐसा हो नहीं सकता। आपके बीच के ये भाई हैं, इनको पूरा सपोर्ट करें। और कल उम्मीद है कि पूरे दिन प्राइवेट सरकार हमें सभी छतों पर सुनने को मिलेगा। आप सभी का इनको सपोर्ट की जरूरत है, तो आप जरूर सपोर्ट करिएगा। और बाकी और एक छोटी सी बात में, मतलब सचिन भाई सॉन्ग की जो क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे, मतलब जो ओवरऑल जो रहा है लिरिक वगैरह है? क्रेडिट देखिए, इसको गाया लिखा और कंपोज तो मैंने किया है, और म्यूजिक और मिक्स मास्टर अपने जीआर म्यूजिक पानीपत यानी गौरव पांचाल ने किया है। और सॉन्ग के अंदर डीओपी अजय के मीणा, जो कैमरामैन बोल सकते हैं आप उसको, उन्होंने किया है। और अपना ये जो है शूट और एडिट ये वीड्रीम प्रोडक्शन नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस है जयपुर का, उन्होंने किया है। और डायरेक्टर अपने विशाल भाई और लंबू जी है ना, और बाकी स्टार कास्ट के अंदर मैं हूँ, अपने विकास भाई हैं, और अपने जो फीमेल लीड कास्ट के अंदर रक्षा प्रजापत हैं और विकास कोवाल हैं। बाकी यही है क्रेडिट। और बाकी सबसे ज्यादा स्पेशल थैंक्स आप जिस चीज को बोल सकते हैं वो है अपने विकास महला भाई को। विकास महला भाई को आप क्रेडिट देते हो। तो सभी दर्शकों से मेरा एक बार फिर निवेदन है, इन सभी भाइयों का वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और यूट्यूब पर सबसे ज्यादा ये वीडियो देखा जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इनका मंडावा का ये पहला सॉन्ग है, हमारे बीच के ये युवा लड़के हैं, उम्मीद है जल्दी आगे बढ़ेंगे। अगर जितना आपका सपोर्ट रहेगा उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी से फिर वही निवेदन की एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। सभी भाइयों का धन्यवाद लाइव जुड़ने के लिए। वही बात है, अपने पास मैंने आपको बता दिया, अपने पास कोई प्रमोशन तो है नहीं, बस आप लोग है। अब आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग सॉन्ग को शेयर करो। सबसे बड़ा प्रमोशन भाईचारा पब्लिक यही है, बस और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा प्रमोशन यही है भाई, और कुछ नहीं है। तो जैसा कि सिद्धार्थ भाई बता रहे हैं।